आपने देखा होगा कि अधिकांश लोग खराब सिविल स्कोर के चलते कई बार नए लोन लेने की प्रक्रिया को पूर्ण करने में विफल हो जाते हैं। कारण ईएमआई पेमेंट समय पर न जमा होना या किसी अन्य चार्जेस का सिविल स्कोर पर चढ़े रहना लोगों को काफ़ी मुश्किल बढ़ा देता है। यहीं से सिविल स्कोर डाउन होना शुरू हो जाता है। एमपी के गुना शहर में एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों की डाउन हुई सिविल को ऑनलाइन अपडेट करने का कर रहा है दावा। आखिर क्यों हो जाती है लोगों की सिविल डाउन और कैसे डाउन हुई सिविल को आप लोग घर बैठे कर सकते हैं ऑनलाइन अपडेट? प्रेम इंटरप्राइजेस के संचालक कपिल गुप्ता बताते हैं कि सिविल स्कोर या उसकी प्रोफाइल को सुधार करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले civil.com पर जाकर हमें साइन अप करना होता है। इसके बाद आप जो हमारे सिविल स्कोर है उसे हिसाब में अपना लेन देन लोन व्यवहार देखना चाहिए। अगर हमारे ऊपर किसी ऐसे लोन की इंक्वायरी या अकाउंट चल रहा है जो लोन हमने नहीं लिया हो, बताएं कैसे सही करते हैं आप सिविल को? सिविल को ठीक करने के लिए पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि सिविल होती क्या है, सिविल के स्तर क्या होते हैं और सिविल सुधरेगी कैसे। हमारा सिविल स्कोर क्या है ये जानने के लिए आप civil.com पे जाके चेक कर सकते हैं या फिर मार्केट में और भी कई वेबसाइट हैं जैसे पैसा बाजार है, पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे है, इन पर भी हम लोग सिविल चेक कर सकते हैं। लेकिन सही करने के लिए हमें civil.com का यूज़ करना पड़ता है। लगभग अभी तक कितने लोगों की सिविल आप सही करते? मेरे पास 70+ हैप्पी कस्टमर हैं और 40+ ऐसे कस्टमर हैं जिनने कभी लोन लिया ही नहीं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर 3-3 लाख के, 4-4 लाख के, बजाज के ऐसे लोन चल रहे थे। वो लोग जब मेरे पास आए तब मैंने उनका सिविल स्कोर चेक किया, सिविल स्कोर के बाद एक पीडीएफ निकाली, निकाल के फिर एक कंप्लेंट की, कंप्लेंट करके 3 से 5 दिनों में उनका रिजोल्यूशन हो गया। लगभग कितने दिनों में आप ये सिविल को अपडेट कर देते हैं? सिविल का एक पर्टिकुलर डे है, जैसे 3 to 45 days होता है टोटल सिविल का जो वर्किंग डेज होता है। हाईएस्ट मामलों में ऐसा देखा गया है 3 से 5 दिन के भीतर ये आपकी सिविल को सही कर देते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट सिविल के लिए आप लेते हैं? इसमें सिविल सही करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना एक मोबाइल नंबर जो आधार और बैंक से लिंक हो, एक ईमेल आईडी जो आपके पास हो जिससे आप लॉग इन कर सकें, ये चीजें प्रमुख चाहिए होती हैं। इसमें हम लोग सिविल स्कोर पॉइंटली बढ़ाने की गारंटी नहीं लेते हैं, हम लोग सिविल स्कोर में जो कमियां हैं उन्हें रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और वो सही करने के बाद सिविल स्कोर का एक टाइम होता है बढ़ने का, वो उसी समय बढ़ती है। और क्या प्रोसेस रहता है इसका सही करने का सिविल इसके अलावा? अगर आप सिविल को ऐसे सही करना चाहते हैं तो आप उसका सब्सक्रिप्शन लेकर भी सही कर सकते हैं। अगर आप सिविल स्कोर पे लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको एक उसकी फीस देनी होती है, 1250 रुपये उसकी फीस होती है। 1250 रुपये उसकी फीस देने के बाद आप उस सिविल स्कोर को अपडेट करके अपना जो भी उसमें प्रॉब्लम आ रहा है उस इशू के अगेंस्ट कंप्लेंट करके अपना सिविल स्कोर सुधार सकते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं? मैं सिविल का काम कर रहा हूँ लगभग 4-5 साल से। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं 9th पास हूँ। क्या नाम है आपका? कपिल गुप्ता। ऑनलाइन का वर्क कितने सालों से कर रहे हैं? मैं 2009 से ऑनलाइन का वर्क कर रहा हूँ।